I'm pleased to be joining you today as we witness the handover of essential infrastructure projects across 28 islands of the Maldives. India ki bahut badi fatah hui hai. In a big diplomatic win for India against China, Maldives hands over 28 islands to New Delhi. एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया. बड़ा ही परेशानी भी हो जाती है और अफसोस भी होता है कि हम क्यों backwards क्यों जा रहे हैं. दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं. President Muizu himself signed the agreement. So President Muizu ने basically और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं. दिस इज व्हाट ही सेइंग. मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल के बंदे हो. डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है. हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है. उन्होंने बात नहीं, क्योंकि दिस इज अ कोर इंटरेस्ट और उन्होंने तरीका भी ढूंढ लिया. तो गेम तो चेंज हुई है वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है. लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती. दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. मैं नहीं बोल रही हूं. इंडिया हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट एलाइज एंड इनवैल्यूएबल पार्टनर्स. ये ना क्या है कि मैं कोलू लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई. I reiterate my government's full commitment to strengthening the historic relations between our two countries to reach new heights in the coming years. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है मालदीव की. अब फिर से इंडिया का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर शुरू हो चुका है. तकरीबन 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इंडिया जो है वो इनोग्रेट कर रहा है. जयशंकर साहब को भी आपने देखा. बात यही कि वही मालदीव है, ये वही प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया आउट वाला कैंपेन चला कर आया था. और जैसे वो इलेक्ट हो गया उसने इंडिया के खिलाफ यहाँ पर अपना जो भी प्रोपोगंडा था वो शुरू कर दिया. और ऑब्वियसली उसका फंडिंग जो था, वो जो प्राइम मिनिस्टर बना उसका फंडिंग जो था या फिर ये कि सारा का सारा मैदान जो तैयार किया था वो चाइना ने किया था. लेकिन उसके बाद उसको पता चला कि भाई नहीं, अगर इसी तरीके से चले तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट में लॉन्ग टर्म लॉस हो जाएगा. उसको फिर पता नहीं उसके एडवाइज़र होंगे जिसने बताया होगा कि भाई हमारा सबसे बड़ा जो हितेशु है या फिर सबसे बड़ा जो हमारा वेल विशर है वो इंडिया ही है. और फिर से दोनों के बीच में, मतलब मालदीव और इंडिया के बीच में, गाड़ी फिर से ट्रैक पर आने लगी. अगर आपको याद हो तो इंडिया के अंदर भी अच्छे खासे कैंपेन होना शुरू हो गए थे अगेंस्ट मालदीव कि भाई अगर इंडियंस वहाँ पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले. डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में एक दिन पहले मालदीव्स का दौरा किया है और मालदीव्स ने ये कहना शुरू भी कर दिया है कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे. मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे. ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं. इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया. और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है. मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं. हमारे पंजाबी कहते हैं मोल ही कोई नहीं, ठीक है. सो इट मीन्स के सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया. सो ये जो प्रेजेंट मौजू आए थे ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका झुटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो, ठीक है. अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेजिडेंट मौजू की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए. और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की. ये अब देखे ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की जो मुझे नजर आ रहा है. मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, तो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा, ये सारी चीजें तो इंडिया वुड ऑलरेडी बी डूइंग देयर। ये मतलब क्या प्रेसिडेंट मौजू ने गेम क्या की है। सो प्रेसिडेंट मौजू ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं, दिस इज व्हाट इज सेइंग, मैं मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल के बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दिए। मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मैं नहीं बोल रही है ये ना क्या है देखे मैं कोलू लफज लाया मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर क्लोजेस्ट लाए। अब चीनी नाराज हो जाएंगे, चीनी जिस तरह शेख हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजू से हो जाना है, उन्होंने पता मौजू साढ़ना गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि चीनी मौजू से नाराज हो जाएंगे। इस वक्त एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मालदीव्स हैंड ओवर 28 आइलैंड्स टू इंडिया, और इसी के साथ खबर ये भी चल रही है कि इंडिया बॉट 28 आइलैंड्स फ्रॉम मालदीव्स, मालदीव्स हैंड्स ओवर इट्स 28 आइलैंड्स टू इंडिया, प्रेसिडेंट मुइज़ू हिमसेल्फ साइंड द एग्रीमेंट। काफ़ी जगहों पर है, बहुत ज़्यादा ये खबर वायरल हो रही है, एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। तो देखिए खबर बहुत बड़ी है, ये बात दुरुस्त है कि खबर जो है वो बहुत बड़ी है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, लेकिन खबर कैसे है, क्या ये खबर सही है जो ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने 28 आइलैंड्स खरीद लिए हैं मालदीव्स पर, या मालदीव्स ने इंडिया को 28 आइलैंड्स दे दिए हैं। तो खबर ये है कि इंडिया हैंड ओवर ह्यूज वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स टू 28 आइलैंड्स मालदीव्स। इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, तो फैक्ट चेक मैं आपको बता रही हूँ कि ये है कि जो खरीदने वाली बात है, अगर आप उसको लिटरल मीनिंग में नहीं ले रहे तो आप उसको सही कह सकते हैं कि इंडिया ने एक ऐसा काम कर दिया मालदीव्स में कि वो खरीदने वाली बात हो गई है, लेकिन अगर आप उसको कह रहे हैं कि हकीकी मानों में जो है वो पैसे देकर, मतलब ये कि जैसे, तो वैसे नहीं है। ये फैक्ट चेक में आपको देखिए, ये खबर जो है ना, ये जैसे कि जी न्यूज़ पर मैं आपको बताती हूँ क्या है, इन अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया अगेंस्ट चाइना मालदीव्स हैंड्स ओवर 28 आइलैंड्स टू न्यू दिल्ली फॉर दिस रीजन। अच्छा, जब ये दिस रीजन आता है तो वो दिस रीजन ठीक है,